ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं दोस्तों, हमने फिटिंग कर दिया है। इस तरह का किसी भी लकड़ी का दरवाज़ा को कैसे बनाना है, कैसे दिल्ली का जो धागी है कैसे लगाना है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा दोस्तों। और इसका जो जॉइन है देखिए, इसमें एक सूत का भी गैप नहीं है अभी, इस तरह से ही जॉइन को मिलाना है। तो फिर दरवाज़ा को कैसे फिटिंग करना है, काम को शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो सूल है हमने अप डाउन करके बना लिया है, और इसका जो होल है, होल को भी ऐसे ही हमने अप डाउन करके बनाया है दोस्तों। जो फालतू लकड़ी है इसमें हमने हाफ इंची करके होल करके रख दिया है। होल करने के बाद अभी मैं ये जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा को फिटिंग करेंगे। एक साइड में देख ही रहे हैं, एक दरवाज़ा हमने फिटिंग करके रखा है, अभी दूसरा दरवाज़ा को भी फिटिंग करना है दोस्तों। और ऐसे फिटिंग करने के लिए दोनों को एक साइड में मिला लेना है। इस तरह से दोनों को अभी हमने मिलाया है, और मिलाने के बाद इसमें जो सूल है, सूल को हम भर के ये जो दरवाज़ा का जो फ्रेम है इसको हम फिटिंग करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिला देना है। मिलाने के बाद ये जो सूल है, सूल को हम भर रहा हूँ, देखिए ऐसे ही आपको भरना है। भरने के बाद ये जो सूल है, सूल को अच्छी तरह से क्लैंपिस में लगा के टाइट करके इसका जो जॉइन है, जॉइन को मिलाने के बाद बाकी का जो लकड़ी है, यानी सेंटर का जो लकड़ी है उसको फिटिंग करना है। सबसे पहले दरवाज़ा का बॉर्डर को ऐसे फिटिंग कर लेना है दोस्तों। किसी भी डिज़ाइन का दरवाज़ा हो इस तरह से ही फिटिंग करना पड़ता है। ऐसे हमने अभी फिटिंग कर लिया है। फिटिंग करने के बाद इसको हम जॉइन करेंगे क्लैंपिस से पूरा टाइट करके। जो जॉइन है, जॉइन को अच्छी तरह से मिला के ये जो सेंटर का जो लकड़ी है, लकड़ी को इस तरह से हम धागी ले लिया, इसका नाप से इसको धागी ले लिया, सूल भी बना दिया है, और इसका जो होल है, होल को हमने पहले ही करके रखा है। करने के बाद अभी इसको हम फिटिंग करेंगे। अभी इसका जो खरा वाला एक पत्ती बीच में आएगा उसको हम पहले फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये दोनों को ऐसे पूरा सेक कर लेना है। सेक करने के बाद इसमें जो लकड़ी लगेगा सेंटर में, ये लकड़ी, इसको हम फिटिंग करेंगे। ऐसे फिटिंग करने के बाद तीनों को मिला के भर देंगे अच्छी तरह से। इसको पूरा टाइट फिटिंग करके फिटिंग करना है। ज़्यादा ढीला करके जो सूल है, ज़्यादा ढीला करके नहीं बनाना है दोस्तों, थोड़ा सा टाइट करके ही इसको बनाना है। ये जो तरीका अभी मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये एकदम आसान तरीका है, कोई भी इसको बना सकते हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत काम आने वाला जो कारपेंटर है, यानी कि जो न्यू कारपेंटर है, वो एकदम आसानी से इस तरीका से दरवाज़ा को बना सकते हैं। अभी मैं ये तीनों लकड़ी को, ये जो होल है, होल में भर दिया है दोस्तों। और भरने के बाद बाकी का जो लकड़ी कैसे लगाना है मैं वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना दोस्तों। न्यू कारपेंटर के लिए ये वीडियो एकदम हेल्पफुल वीडियो होगा, और दरवाज़ा बनाने का जो काम है एकदम आसानी से वो कर सकते हैं। दिल्ली का धागे को कैसे लेना है, उसका नाप कैसे लेना है, सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। और दिल्ली को कैसे बनाना है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बाद में और एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। और ये दरवाज़ा को कैसे हमने धागी लिया था, और पहले कैसे धागे लेना है, होल का धागे कैसे लेना है, सब कुछ एक वीडियो बना के हमने अपलोड किया हूँ, उसको भी जाके देख लेना। इसका जो भाग है, ये भाग दो नंबर का भाग होगा, यानी कि पहला भाग हमने अपलोड कर दिया है। दरवाज़ा बनाने का पहला जो भाग है हमने अपलोड कर दिया है दोस्तों, उसको जाके देख लेना। उसका बाद ये भाग को देख लेना, और जो ग्रुप काटना है और डिज़ाइन कैसे बनाना है उसका भी एक वीडियो मैंने बना के ही दिया है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। अभी ये जो ऊपर का जो लकड़ी है हमने बिठा दिया है, बिठा के इसका नीचे में धागी को लगाएंगे। यानी कि ऐसे आप जितना लकड़ी आपको लगाना है दरवाज़ा में, ऐसे ही आप लगा सकते हैं एकदम आसानी से। और ऐसे अगर लगाएंगे तो इसका जो नाप है इधर उधर नहीं होगा, और जॉइन में भी गैप नहीं होगा, कभी भी जॉइन में गैप नहीं होगा। लेकिन आइडिया करके या इंची टेप से आप इसको नाप के, गुनिया से धागे लगा के कटिंग करके भरना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत गैप हो सकता है। अभी इसका जो जॉइन है, जॉइन को ऐसे मिला के बाद में इसका जो ऊपर का जो लकड़ी है, सब कुछ इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये हमने अभी लगा दिया है, फ्रेम पूरा तैयार हो गया है। अभी इस फ्रेम को पूरा टाइट करके कलम में लगा के कील मार दिया है दोस्तों। 1.5 इंची का जो कील है हमने मार दिया है। कील मारने के बाद इसमें जो दिल्ला होता है, दिल्ला का धागी को हम लेंगे, और कैसे लेना है उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। पहले इसका जो जॉइन है, जॉइन को अच्छी तरह से मिला देना है, और लकड़ी सीधा हुआ है कि नहीं उसको भी देख लेना है। उसका बाद ही दिल्ली का जो धागी है उसको लगाना है दोस्तों। दिल्ली का धागी को लगाने के लिए ये जो लकड़ी है, यानी कि जो दरवाज़ा का जो लकड़ी है, लकड़ी का 0.5 इंची में हमने धागी लगा दिया है। देखिए, इस तरह से ही धागी को लगा, दरवाज़ा का सारा लकड़ी में एक एक साइड में 0.5 इंची का धागी लगा देना है दोस्तों। क्योंकि ये जो दिल्ला है, दिल्ला हम 0.5 इंची इसमें भरेंगे। दिल्ला 0.5 इंची ही भरता है, 0.5 इंची से एक सूत कमती करके भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लगा सकते हैं। अभी ये जो दिल्ला है, दिल्ला का एक एक साइड हमने रंडा कर दिया है।
ऐसे पूरा रंदा कर लेना है, पूरा सीधा करके एक साइड को रंदा कर देना है। और ये जो साइड है, इस साइड को हम आधा इंची दागी जो है दागी का ऊपर में रख देंगे, और ऊपर में रखने के बाद इसमें 2 इंची कीला जो है, कीला को हम मारेंगे, आधा मारेंगे, यानी कि 2 इंची का जो कीला है पूरा नहीं थोकना है, आधा ही थोकना है। अभी ये गुनिया से भी कोना में भी दागी को लगा देना है, तभी आपको दिल्ला को लगाने के टाइम पे दागी को या लकड़ी को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो गुनिया से हमने अभी जो दागी लगाया है, इसमें आपको बिठा के एकदम अच्छी तरह से ऐसे कील मार के रख देना है। ऐसे ही पूरा लकड़ी को हम कील मार के रख देंगे। बाद में ये जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा को पलटा के दूसरा साइड से हम दागी को लगा देंगे, और दिल्ला का जो दागी है, दागी पूरा लग जाएगा। और इंची टेप से नाप के भी आप दिल्ली का दागी को लगा सकते हैं दोस्तों, और कार्टन या जो आर्ट पेपर आता है उसको लगा के भी आप जो दिल्ला है, दिल्ला का दागी को लगा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, ये एकदम आसान तरीका है और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पूरा जो लकड़ी है, लकड़ी को उल्टा साइड में आपको फिटिंग करके दूसरा साइड में दागी को दे देना है दोस्तों, और बाद में आपका जो दिल्ला है, दिल्ला पूरा अच्छी तरह से दागी जो है दागी लग जाएगा। अगर राउंड लकड़ी होगा तो उसमें आर्ट पेपर या कार्टन का ज़रूरत होता है, और ऐसे अगर लगाएंगे कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी देखिए मैंने कैसे जो गुनिया से ये दागी लगाया है, इसमें देख के हम आधा इंची बाहर करके लकड़ी को लगाएंगे, और ये आधा इंची का जो दागी है उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे ही पूरा लगा देना है, और इसका ऊपर में ही मैं सारा लकड़ी को बिठा के 2 इंची का कील आधा आधा मार के अभी रख देंगे। ऐसे ही पूरा रख देंगे दोस्तों, और आपको भी ऐसे ही पूरा रख देना है, तभी आपका जो काम है आसान होगा और सही होगा। लकड़ी जैसे जैसे बेथ रहा है उस तरह से ही आपका दागी हो जाएगा। लेकिन इंची टेप से अगर नाप के आप दागी को लगाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। और ऐसे ही पूरा लकड़ी को हमने अभी रख दिया है, रखने के बाद दूसरा साइड में इसको पलटाना पड़ेगा अभी। और दागी जो है थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से आपको दागी ले लेना है। बाद में आपका जो दिल्ला है, दिल्ला का दागी एकदम सही तरह से हो जाएगा। अभी मैं एक साइड में ये जो दिल्ला है, दिल्ला को पूरा लगा दिया हूँ दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। अभी दरवाज़ा को पलटाना पड़ेगा, पलटाने के बाद इसका जो दागी है उसको भी मैं लेके दिखाऊंगा। देखिए इसको मैंने पलटा लिया है, पलटाने के बाद इसमें अभी मैं दागी ले लूँगा। ऐसे ही पूरा आपको कर लेना है दोस्तों, तभी आपका जो काम है थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा और आपका जो काम है वो सही तरह से हो जाएगा। और इस काम को अगर अच्छा लगता है तो चैनल में, अगर नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर करना। और ऐसे ही पूरा हमने अभी दागी को लगा रहा हूँ, और दागी को लगाने के टाइम पे एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, ये जो अभी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, सभी दिल्ले पे आपको नंबरिंग कर देना है दोस्तों, तभी आपका आपको ये जो दिल्ला है, दिल्ला को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस तरह से ही हम लोग जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा को बनाते हैं दोस्तों। और बनाने का कोई तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है ये आसान तरीका है नया कारपेंटर के लिए। ये जो तरीका है ये एकदम पूरा काम आने वाला तरीका है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होगा, इसलिए ये जो दिल्ला है, दिल्ला को बनाने का जो काम है बाद में मैं दिखाऊँगा दोस्तों। इस वीडियो में अगर दिखाएँगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऐसे ही पूरा दिल्ला जो है, दिल्ला का दागी को आप लोगों को लगाना है, और नंबरिंग जो है, नंबरिंग को ऐसे कर लेना है। देखिए मैंने अभी कैसे नंबरिंग को करके रख दिया है, थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे तीर का निशान है उसको भी लगा देना, तभी कौन सा साइड में आपका दिल्ला बेथ रहा है उसको आप बाद में देख सकते हैं। और इस तरह से दिल्ला का दागी को लगाने के बाद इसमें मॉडलिंग डिज़ाइन को बनाना है और ग्रुप को करना है, उसका भी वीडियो मैंने दिया है, उसको जाके देख सकते हैं। अभी दिल्ला का जो दागी है हमने लगा दिया है दोस्तों, मेन दागी से आधा इंची बाहर करके इसको लगाना है और कटिंग कर देना है। और दागी कैसे लगाना है उसको भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा दोस्तों। और ये जो 2 इंची का कील हमने थोका था उसको अभी निकाल के रख देना है, और ये जो दागी है, दागी से आधा इंची करके ही आपको दागी को लगाना है। जो मेन दागी है, मेन दागी से आधा इंची बढ़ा के ऐसे पूरा दागी को लगाना है दोस्तों। और लगाने के बाद आपका जो कटिंग होगा, मेन दागी में कटिंग नहीं होगा, यानी आधा इंची का जो दागी है उसमें कटिंग होगा, और ये जो दिल्ला है, दिल्ला आधा इंची बड़ा होगा। सभी साइड में आधा इंची बड़ा हो जाएगा, और बाद में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और आप कैसे भी काटें, रुतर मशीन से बनाएं या किसी भी मशीन से आपको दिल्ला बनाना है, ऐसे आप बना सकते हैं। अभी ये दिल्ला का जो दागी है, दागी पूरा बन गया है दोस्तों। और ये जो आधा इंची का जो दागी आप लोग देख ही सकते हैं, इसमें हमने कटिंग कर दिया है, कटिंग करके रख दिया है दोस्तों। और बाद में
इसको हम रोतार मशीन से पूरा दिल्ला बनाएंगे और डिज़ाइन वाला जो दिल्ला है उसको भी हम बनाएंगे, बना के आप लोगों को दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नया वीडियो में। अगर वीडियो काम का लगा तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, कारपेंटर से रिलेटेड सभी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलता रहेगा।